बीतूर से सीताबर्डी के लिए सुबह 9 बजे निकली आपली बस में मेडिकल चौक से मोहता साइंस कॉलेज की ओर जाने वाले मार्ग पर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बस जलकर खाक हो गई। बस चालक की सतर्कता से बस में सवार 45 से अधिक यात्रियों की जान बच गई और किसी को खरोंच तक नहीं आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीतूर से सीताबर्डी जाने के लिए आज सुबह 9 बजे आपली बस MH31 FC 0413 निकली। ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय तक पहुंचते तक बस में 45 से अधिक यात्री सवार हो गए, जिनमें कई नौकरी पेशा और कॉलेज छात्र भी थे। क्रीड़ा चौक से मेडिकल चौक की ओर आते समय चालक के समीप बैठे एक यात्री को इंजन से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने बस चालक दिवाकर काकड़े को इसकी जानकारी दी। काकड़े ने सतर्कता और समझदारी दिखाते हुए बस को रूपम इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने सड़क किनारे खड़ी कर दिया और परिचालक गिरधर सोनवाले को सभी यात्रियों को तत्काल बस से उतारने को कहा। बस यात्रियों में खलबली मच गई, वे कुछ ही मिनटों में बस से उतर गए और इधर बस में आग पकड़ ली। देखते ही देखते बस को आग ने पूरी तरह घेर लिया। दमकल विभाग के 3 वाहन घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक बस जलकर ढांचा रह चुकी थी। कुछ ही देर में दमकल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। उल्लेखनीय है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप है, लेकिन सौभाग्य से चालक ने बस को पेट्रोल पंप के पहले ही रोक लिया, जिससे बड़ा अनर्थ टल गया। माझं नाव दिवाकर गणपतराव काकडे आहे। मी पटवर्धन मधनं गाडी काढली। गाडी काढल्याच्या नंतर तितूरला गेलो। तितूरवरनं 9 वाजता मी बर्डीला येत होतो। 9:15ची घटना आहे ही। मेडिकल चौकाच्या पहिले माझ्या गाडीला आग लागली, म्हणजे धुवा निघाला। धुवा निघाल्याला मला माहीत झालं की अंगार पकडून राहिली, म्हणून मी गाडी साईडला लावून पूर्ण प्रवासी खाली गेले आणि 45 माझ्या गाडीमध्ये पॅसेंजर होतात। डेपोला इन्फॉर्मेशन देऊ 101 नंबरवर कॉल करून मी अग्निशामकची गाडी बोलवली आणि गाडी आग विझवली। मेरे दुकान सलून की दुकान है। मेरे दुकान के ठीक सामने बस को अंगार लगी, पूरा शॉर्ट सर्किट था। मेरे सामने पूरे 50 से 60 पैसेंजर उतरे। सब लोगों को हम लोगों ने बिल्डिंग के अंदर में पनाह दिए, ठीक है, और उसके बाद 101 और 100 नंबर पे फोन भी किए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।